नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है और आज मैं ऐसे न्यूज की टीम के साथ पहुंची हूं हरियाणा के सतलोक आश्रम भिवानी पे, जहां पर संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष में आज दूसरे दिन भी समागम की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। समागम के साथ साथ यहां पर सतलोक आश्रम भिवानी के अंदर ही रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि बहुत सारे श्रद्धालु कतार में लगे हुए हैं और अपनी डिटेल्स को वेरीफाई करवा रहे हैं। आगे जाने पर इनकी डिटेल्स को वेरीफाई किया जा रहा है, उसके बाद ये ब्लड डोनेट कर रहे हैं। इसके बिल्कुल अगर सामने देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि कुछ बहनें भी रक्तदान के लिए यहाँ पर आई हुई हैं। आप अपने सामने देख पा रहे होंगे यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की डिटेल्स को फिल किया जा रहा है। यहाँ पर फिल किए जाने के बाद फॉर्म के साथ उन्हें आगे भेजा जाएगा ब्लड डोनेट करने के लिए। तो आप देख पा रहे हैं सेवादारों के द्वारा पूरी की पूरी जो सुविधा है बहुत ही ज्यादा सुचारू ढंग से की जा रही है। यहाँ मेरे बिल्कुल सामने आप देख पा रहे हैं कि एम्स से डॉक्टर्स की टीम आई है जो कि आने वाले डोनर्स को किट्स प्रोवाइड करवा रही है ताकि वो बहुत ही आसानी के साथ अपना ब्लड डोनेट कर पाए। जो अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं उन्हें यहाँ पर रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करवाई जा रही है, जूस रियल जूस वगैरह भक्तों को दिया जा रहा है ब्लड डोनेट करने के बाद। यहाँ पर बेड के साथ श्रद्धालुओं को कतार में लगाया गया है और श्रद्धालु वन बाय वन अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रक्तदान की प्रेरणा से भरपूर होकर ये श्रद्धालु ये भक्तजन अपना रक्तदान कर रहे हैं। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यहाँ पर कुछ भक्तजन कतार में बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, इसके बाद इन्हें ब्लड डोनेशन के लिए भेजा जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु जो हैं अपना रक्तदान कर रहे हैं। आइए कुछ श्रद्धालुओं से जानने की कोशिश करते हैं कि ये प्रेरणा उन्हें देता कौन है आखिर। नमस्कार जी, नाम क्या है आपका? मेरा राजेंद्र दास है जी, मैं रणजीत पुरा हनुमानगढ़ जिले से राजस्थान से आया हुआ हूँ। राजेंद्र जी, क्या आप हमें बताएंगे कि हर बार देखा जाता है सतलोक आश्रम भिवानी में समागम का आयोजन होता है, उसके साथ रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, तो हर बार इतने श्रद्धालु हजारों की संख्या में उमड़ मुड़ कर आते हैं यहाँ पर रक्तदान करते हैं, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? ये प्रेरणा हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज, वो प्रेरणा करते हैं कि ब्लड दान करो। उनकी प्रेरणा से हम सारे भक्त यहाँ आते हैं, ब्लड दान करते हैं, सेवा करते हैं, बढ़ चढ़ कर सेवा करते हैं परमात्मा की दया से। अंदाजन कितने श्रद्धालु यहाँ हर समागम में आकर के रक्तदान शिविर में अपना रक्तदान करते हैं? हजारों श्रद्धालु, हजारों श्रद्धालु रक्तदान करते हैं और लाखों श्रद्धालु आते हैं यहाँ भंडारा करने के लिए। परमात्मा का भंडारा होता है गरीबदास जी के बोध दिवस पर, परमात्मा के बोध दिवस पर और कबीर परमात्मा के प्रकट दिवस पर। हर बार श्रद्धालु बहुत आते हैं राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से और उत्तर प्रदेश। तो आप हमें बताइए कि आश्रम की तरफ से क्या कुछ सुविधाएं आपको यहाँ पर दी जा रही हैं? आश्रम की तरफ से सब फ्री है, खाना पीना ओढ़ना पहनना सब फ्री है परमात्मा की दया से, सब निःशुल्क है। रक्तदान शिविर में बहुत सारे सेवादारों को नियुक्त किया गया है जो आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं को मैनेज करें। तो आइए कुछ सेवादारों से ही जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से वो यहाँ पर आने वाले भक्तजन को सुविधाएं दे पा रहे हैं। नमस्कार जी, साहब जी, नाम क्या है आपका? प्रिंकल दास नाम है जी। प्रिंकल दास जी, क्या आप रक्तदान शिविर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं? जी जी बहन जी, ये जो है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ एक विशाल ब्लड डोनेशन कैंप लगा गया है। हाँ जी, तो इस ब्लड डोनेशन कैंप में आप सेवादार हैं, तो किस तरीके से कितने सारे श्रद्धालु यहाँ पर, कितने श्रद्धालु आ रहे हैं और किस तरीके से आप सेवाओं को कैसे मैनेज कर पा रहे हैं, किस तरीके का ट्रीटमेंट डोनर्स को दिया जा रहा है? देखो जी, ये संत रामपाल जी महाराज जी की आदेशानुसार यहाँ संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस था, उस उपलक्ष्य में हजारों की तादाद में ये भक्त श्रद्धालु जन पहुँचे हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी की दया उनसे, और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में अभी भी लाइन बनी हुई है, जो जितनी ही इनकी रिक्वायरमेंट होगी ब्लड डोनेशन कैंप जो इनकी टीम है बाटसा से एम्स हॉस्पिटल से आए हैं, इनको जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी 100 की, 150 की, 200 की, उतनी रिक्वायरमेंट हम महाराज जी के आदेश अनुसार इनकी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे ब्लड डोनेट करके। धन्यवाद। रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, यहाँ पर एम्स हॉस्पिटल से टीम पहुँची है, तो आइए उन डॉक्टर से जानने की कोशिश करते हैं कि कितना टारगेट है उनका और किस प्रकार से कितने श्रद्धालु यहाँ पर रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं। नमस्कार जी, मैं पहले
संत रामपाल जी महाराज को और उनके भक्तों को एक्चुअली धन्यवाद देना चाहती हूँ कि क्योंकि हम यहाँ पे फोर्थ टाइम आ रहा है ब्लड डोनेशन कैंप के लिए और हर 15 दिन यहाँ पे आ रहा है और हम जितना भी टारगेट बोलो उनको 100 या 200 वो उतना हमें दे देते हैं। आज का कितना टारगेट आपका? आज तो हमें 100 के टारगेट लेके आया है तो वो जितना आएगा उसके आगे पीछे हम ले सकते हैं क्योंकि ये है कि कैंसर के मरीज के कैंसर के रोगियों के लिए ब्लड तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और उनका एक स्टडी सप्लाई मेंटेन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है और हमें यहाँ से जो इनकरेजमेंट जो मिल रही है वो बहुत ही सी अच्छा है। तो इसमें हमें बहुत मैं अपने NCI के टीम के बिहाफ बहुत ज़्यादा धन्यवाद संत रामपाल जी को भी और उनके उनके फॉलोअर्स को। यहाँ जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनके मन में इतना ज़्यादा प्रेरणा है रक्तदान करने के लिए तो इसके बारे में क्या विचार है क्योंकि आजकल का जो यूथ है इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा है लेकिन संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं बच्चों से लेकर बड़ों तक चाहे वो दहेज प्रथा की बात आए चाहे वो रक्तदान करने की बात आए हर चीज़ में वो बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं तो पर्सनली आपका क्या व्यू पॉइंट है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों को लेकर? एक्चुअली मैंने यहाँ आके एक चीज़ देखा है वो पूरे अपना मन तन पूरा वो डेडिकेटेड हो के ब्लड देने के लिए आता है कोई प्रेरणा उनके लिए अलग से ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छा एक ऑब्जर्वेशन है और ये तो ऐसा है हर विलेजेस में भी इनके जो हर पॉपुलेशन में भी ये हम स्प्रेड कर पाएगा तो हमारे राज्य को ही एक्चुअली वॉलंटरी ब्लड डोनेशन पे पूरा भरोसा करके हम चल सकते हैं और ये रिप्लेसमेंट तो इसका आने वाले पीढ़ी में समाज सुधार में आप कितना योगदान मानते हैं? ये तो बहुत बड़ा काम होगा क्योंकि अभी तो मोस्ट ऑफ द ब्लड बैंक्स तो अभी रिप्लेसमेंट डोनेशन पे चलती है तो अगर ये ऐसा वॉलंटरी ब्लड डोनेशन ऐसे मोटिवेटेड हो के डोनर्स अपने घर में भी जाके बताएंगे उनके बच्चों भाई सबको लेके ऐसे आएंगे और ये बाकी जगह पे भी जाके दे देंगे तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण काम होगा। इनको यहाँ से जो भी ये यहाँ से लेके जा रहे हैं जो एनर्जी वो बाकी लोगों को भी स्प्रेड करेंगे तो हमें पूरे राज्य में ही वॉलंटरी ब्लड डोनेशन से चला पाएगा और ये रिप्लेसमेंट पूरे बंद हो जाएगी और ये ब्लड के टाइम के ब्लड मतलब ब्लड पैसा के लिए मांगना वगैरह बंद हो जाएगी। धन्यवाद। अभी आपने देखा कि रक्तदान शिविर में किस प्रकार से श्रद्धालु एक प्रेरणा में भरकर रक्तदान कर रहे हैं जो कि महापुण्य का कार्य करता है।